भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने अपने प्रदर्शन से काफी शोहरत हासिल की। नीरज ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर एथलेटिक्स में भारत के पदकों का सूखा खत्म किया था। टोक्यो ओलंपिक के बाद भी नीरज ने अपने फॉर्म को बरकरार रखा और कई मेडल जीते। इसी बीच नीरज चोपड़ा के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। नीरज चोपड़ा साल 2022 में सबसे ज्यादा नजर आने वाले एथलीट यानी कि मोस्ट विजिबल एथलीट बन गए हैं। नीरज ने इस मामले में जमैका के दिग्गज यूसेन बोल्ट को पीछे किया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स की एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी सामने आई है। 24 साल के नीरज की टोक्यो ओलंपिक के बाद लोकप्रियता काफी बढ़ गई। फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने के बाद उन्होंने अपनी ख्याति और बढ़ा ली। जहां तक मीडिया कवरेज की बात है तो नीरज चोपड़ा को लेकर इस साल 812 आर्टिकल प्रकाशित हुए। चोपड़ा के बाद जमैका की तिकड़ी एलेन थॉम्सन हेरा 751, शेलिन एन फ्रेजर प्रीस 698 और शेरिका जैक्सन 679 का नंबर आता है। करिश्माई बोल्ड 574 आर्टिकल्स के साथ इस सूची में पांचवें स्थान पर है। वर्ल्ड एथलेटिक्स के अध्यक्ष सेबेस्टियन को ने एशियाई पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान इन आंकड़ों को जारी किया है। ये आंकड़े जर्मनी स्थित मीडिया मॉनिटरिंग फर्म यूनिसेप्टा ने उपलब्ध कराए हैं। सेबेस्टियन को ने कहा कि मैं यूसेन बोल्ट को खारिज नहीं कर रहा हूं। वो हमारे खेल के आइकॉन हैं, लेकिन चोपड़ा इस सूची में सबसे आगे हैं। इससे पता चलता है कि हम अपना दायरा बढ़ा रहे हैं। हम अब केवल एक एथलीट को लेकर बात नहीं कर रहे, हमारे पास ऐसे एथलीटों की संख्या बहुत अधिक है। बता दें कि नीरज चोपड़ा के लिए साल 2022 काफी शानदार रहा। इस दौरान उन्होंने दो मौकों पर अपने नेशनल रिकॉर्ड तोड़े। नीरज ने इस साल अपना आखिरी खिताब ज्यूरिख में जीता था, जहां वो 88.44 मीटर की बेस्ट थ्रो के साथ डायमंड लीग के विजेता रहे थे। नीरज ये खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने। उससे पहले नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया था। जुलाई में अमेरिका के यूजीन में हुए इस चैंपियनशिप के फाइनल में नीरज ने 88.13 मीटर दूर भाला फेंकते हुए ये उपलब्धि हासिल की। हालांकि नीरज चोट के चलते बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से दूर रहे थे। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक।